गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हैं आप सभी। जीरो लेवल गणित की क्लास यानी कि उम्मीदों वाली क्लास, एक ऐसी क्लास जहां से आप पढ़ते नहीं बल्कि सीखते हैं। पूरा क्लास को देखना, समझाने की पूरी गारंटी होगी। आज हम देखेंगे दशमलव रूप में बदलना, यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया है, कोई भिन्न दिया है, जैसे 11/3, इसको दशमलव रूप में कैसे बदलते हैं। और अगर कोई संख्या दशमलव में दी गई है, जैसे 3.5, तो इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। है ना, कितना तिकड़म वाला काम ये, ध्यान से देखना, गारंटी के साथ सिखाएंगे, बस पूरा देखना। देखिए साथियों, इसका जो तरीका होता है, पहला मैं आपको बता दूं बेसिक फंडा। ये जो नंबर ऊपर होता है उसको अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर नीचे जो होता है इसको हर बोलते हैं डेनोमिनेटर। इसमें इतना सा तिकड़म करना होता है, ऊपर वाले नंबर को इस कोष्टक के यानी कि अंदर में खाने के, और नीचे वाले को पहले लिखना होता है। अब आपको पहाड़ा पढ़ना होता है, 3×3=9, ये सबट्रैक्ट किया तो 2 आया, ऊपर पॉइंट बढ़ा के यहाँ पे 0 उतारेंगे और ये 6 बार जाएगा, है ना, 3×6=18। फिर कितना आएगा, 0 घटाएंगे 0 में से तो घटेगा नहीं, उधार जाएगा, 2 आएगा 0। फिर आप 6 बार ले जाएंगे, यानी बार बार ऐसे आता चला जाएगा, और फाइनल में आप इसको लिख सकते हो 3.6 के ऊपर बार। बार क्यों लगता है, चूँकि ये बार बार आएगा, कभी कटेगा नहीं, अनंत बार। बात समझ में आई ना। तो ये तो था एक छोटा सा सवाल, लेकिन थोड़ा लफड़ा वाला था। अभी अगला देखना, अगर आपने अभी तक की 10 क्लास देख लिया तो आपको पक्का ये सब समझ में आ रहा होगा। अगला क्या है, देखो 5 है और 17 है, तो 17 को यहाँ पे लिख लो और 5 को यहाँ पर लिख लो। भाग करना नहीं आता तो बताना, 5×3=15, 5×3=15 ना, घटाओगे 2 आएगा। अब देखिए, 5 बड़ा है, 2 छोटा है, तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा के 0 उतारेंगे। वैसे होता तो यहीं पे छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है दशमलव रूप में बदलिए, मतलब दशमलव लगाना है, तो दशमलव बढ़ा के 0 उतार लो, 5×4=20। ये देखिए एक पूर्ण संख्या है, पूरा पूरा कट गई कम्प्लीटली ना, यानी कि 3.4 आ गया, 4 दोनों तरह से बनता है। ऐसे आप इसको भी भाग कर लेंगे, खुद से करेंगे घर से, अब हम इसको नहीं करेंगे। कमेंट करके बताना जरूर, बेईमानी मत करना। तीसरा सवाल है ये, खुद से करना, अगला दूसरे में आ जाओ। ये भी वैसे ही लगता है, इसमें कोई सींग पूंछ नहीं लगी अलग से, बस यहाँ माइनस है तो उत्तर में माइनस आ जाएगा। चलो देखते हैं, ऊपर 5 है नीचे 4 है, पहले माइनस को भूल जाओ, यहाँ माइनस पहले से फिक्स कर लो कि माइनस में आएगा बस, ठीक, क्योंकि बिच्छू से बिच्छू ही तो पैदा होगा, सांप तो पैदा होगा नहीं। तो 4 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, ये 1 आएगा, ऊपर क्या करोगे, 1 डेसिमल बढ़ाओगे ना, चूँकि एक छोटा है 4 बड़ा है, दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 उतार लिया, और ये 4×2=8, इस तरह से घटाने पे 2 आया ना। ज़रा ध्यान दीजिए, 2 छोटा 4 बड़ा है, फिर से आपने एक बार जब दशमलव बढ़ा लिया तो यहाँ पर 0 उतार सकते हो, और 5 बार जाएगा, 4×5=20, और इस तरह से कितना आएगा, 1.25, वो भी माइनस में। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आपने इसको इसको देखा और इसको भी देखा ना, वैसे सब कर लीजिए, जिसमें माइनस लगा उसका आंसर माइनस में आएगा, बस फाइनली याद रखना। और हाँ, अगर कहीं ऐसे दिया है ये 3/-5, तो इसका आंसर प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस माइनस ये खट के प्लस हो जाएंगे, 3/5 आएगा। तो जल्दी से छाप लीजिए, और जो बचे हुए होमवर्क हैं इसको घर से ज़रूर करना, अगर कुछ करना चाहते हो तो हल करके ज़रूर लाना, ठीक है। देखिए साथियों, अगला सवाल ज़रा ध्यान से देखना, ठीक ना, और पूरा देखना तभी मज़ा आएगा। चलिए देखिए, शांत दशमलव कब होता है और अशांत दशमलव कब होता है। आप देख रहे हैं कक्षा 8 की गणित, ध्यान से देखना, वीडियो की क्वालिटी बदल लीजिए अगर कुछ गड़बड़ है तो। देखिए इनका दोनों का मतलब समझिए, अभी आपको कुछ फ्रैक्शन दिए जाएंगे उनको आपको समझना होगा। तो एक प्रकार से ये समझ लो कि जिस लड़की की शादी इस समय इंडिया में 18 साल मतलब अगर हो गई तो लड़की की शादी हो सकती है, 21 साल पे लड़कों की शादी हो सकती है ना, ये नियम है ना। तो कहने का मतलब कि 18 और 21 ये अनुपात है। आप सोच रहे होंगे यहाँ शादी का है बता रहे, ज़रूरी है बताना, अभी ध्यान दीजिएगा, है ना, ज़रूरत है यहाँ पर कुछ ऐसी। जब हर का गुणनखंड 2 की घात यन या 5 की घात यम के रूप में हो, या फिर 2 की घात यन या 5 की घात यम आए या फिर इसके रूप का हो, तो शांत दशमलव होगा। जैसे हमने लिखा 13/10, ये शांत दशमलव है, क्यों है, हर मतलब नीचे वाला गिनती
इसको आप लिख सकते हो 2 की घात 1 × 5 की घात 1, लिख सकते हो कि नहीं? गुणा करोगे 10 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अगर इसको लिखो 17 बटा, ध्यान देना, 100। देखो ये भी शांत दशमलव होगा, क्यों? क्योंकि इसे आप लिख सकते हो 2 की घातें 2 यानी कि 4 और 5 की घातें 2 यानी कि 25। बात समझ में आई ना? तो ये शांत दशमलव की कंडीशन समझना। और हाँ एक और देखना, अभी शांत दशमलव में जैसे हमने लिख दिया 101 बटा 2, ये भी शांत दशमलव है। क्यों? क्योंकि इसको जब आप ऐसे भाग करोगे तो इसका 2 की घात 1 लिख सकते हो, मतलब या तो घात या ना आए 2 की, या तो 2 पे घात बने या तो 5 पर बने या फिर दोनों पर बने, तभी शांत होगा, बाकी अशांत होगा। अशांत कब होगा आप लोगों का सवाल होगा। देखिए जैसे अगर 17 बटा यहाँ पर हमने लिख दिया 21, अब यहाँ पर जरा गौर से देखना, इसका गुणनखंड करोगे तो 7 × 3 आएगा या 3 × 7, कुछ भी लिख लो, इसकी घातें 1 1 लगा सकते हो। यहाँ पर कहीं 2 या 5 आया? नहीं आया ना। एक और देखना, जैसे हमने लिखा 19 2 × 12 है ना, ये है 12, इसको आप लिख सकते हो 19 बटा 2 की घात 1 और 6 की घात 1। अब आप कहोगे कि 2 की घात तो आ गई है तो ये शांत होगा ना? शांत तब होगा जब 2 की घात आए या फिर 5 की घात के रूप में आए या दोनों की घात के रूप में आए, बाकी कोई ना आए। जैसे कहा जाए, अब एक इसमें आप एक प्रकार से आप समझ लीजिए, जैसे अभी हमने आपको शादी वाला बताया था, 1:18 1:21 बताया था ना, लड़के लड़कियों की शादी का अनुपात। तो अगर लड़का 21 साल का है और लड़की 16 साल की है तो क्या शादी हो जाएगी? भारतीय कानून के तहत ये गड़बड़ होगा, समझ गए ना? तो वही हाल यहाँ पर है। देखो 2 की घात तो 1 है, ये तो क्लियर है, बट इसके साथ एक लफड़ा है जो बगल में आ गया। बात समझ में आया ना? हाँ, लेकिन शादी से थोड़ा ये हटके है, क्योंकि अगर ये अकेले होता तब हो सकता था। अकेले मतलब वैसे इसको भी वैसे भी ले सकते हो, अकेले भी कहने का मतलब अगर कोई चाहे तो ना शादी करे तो कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता इंडिया में कि हाँ नहीं तुम शादी करो, कानून है। ऐसा कोई कानून नहीं है, कानून स्वतंत्रता देता है, चाहे कोई शादी करे चाहे ना करे। अपने इतिहास को उठा के देख लीजिए, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं भारत में जो अभी भी हैं प्रेजेंट में, जिन्होंने शादी नहीं किया। तो वैसे इसका एग्जाम्पल एक मैं यहाँ पे दिखा दिया, ये 101 बटा 2, ये तो 2 बेचारा अकेला ही है, लेकिन फिर भी क्या शांत दशमलव है। आप लिख सकते हो 139 बटा 5 घात 1, ये भी शांत दशमलव है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ना, पक्का समझ गए होंगे। अगर ध्यान से देखा तो नहीं समझा तो फिर से देख लो एक बार वीडियो, गारंटी के साथ सीख जाओगे। बगल में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, जिन लोगों को क्लास व्हाट्सएप पर लेना है, सभी क्लास पाना है, बीच बीच की क्लास मिस नहीं करना है, वो कृपया क्लास को ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ओनली 549 में, वरना यूट्यूब पर फ्री में देखते रहें। यूट्यूब पर कोई चार्ज नहीं है, फेसबुक पर भी कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री, जो क्लास मिले देखते रहिए, एकदम फ्री टोटल। जो सवाल स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपके होमवर्क हैं, जल्दी से इसको छाप लीजिए, फट से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी शांत दशमलव हैं उनको हल करना है। आगे देखते रहना, भाग के मत जाना, क्लास पूरा देखना, गारंटी के साथ सिखाएंगे लेकिन पूरा क्लास देखा करिए। व्हाट्सएप नंबर 9793488448। देखिए साथियों, अगला सवाल ध्यान से देखना और पूरा देखना। उसके पहले मैं आपको बता दूं, हमारे फेसबुक पेज पर आप सभी क्लास को बिल्कुल फ्री पा सकते हैं। इसके लिए फेसबुक जहां पर फ्रेंड ढूंढते हैं वहां पर PBR स्टडी लिख के सर्च करना, जो पेज आएगा उसको लाइक करके फॉलो कर लेना है। 1/2, 1/3, 1/5 के योगफल को यानी कि सम्स को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद अगर दशमलव में बदलते हैं तो शांत दशमलव आएगा कि अशांत आएगा, कैसे जानेंगे? इसको पहले तो आप जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए प्रिय विद्यार्थियों आप 2, 3 और 5 का LCM लोगे। बस आप LCM से ही जान जाओगे, 2, 3 और 5 का LCM 30 आएगा ना। ये बताओ इसको 2 की घात और 5 की घात के रूप में लिख सकते हैं 30 को, लिख सकते हैं कि नहीं? जरा देखिए तो इसको आप 10 × 3 लिख सकते हो, 6 × 5 लिख सकते हो ना, यानी कि 2 × 3 × 5 लिख सकते हो। इसमें देखिए 3 एक लफड़ा कर रहा है, 3 नहीं आता अगर तो शांत दशमलव हो जाता, और ऐसा कोई उपाय भी नहीं है कि 3 ना आए हम गुणा कर दें, है ना? 5 की घात और 2 की घात ही बननी चाहिए, यानी कि अशांत दशमलव होगा। क्या होगा? अशांत होगा, शांत नहीं होगा। ये अभ्यास 1 का J है, कक्षा 8 की बेसिक गणित,
क्वेश्चन नंबर फोर नहीं समझ में आया तुरंत कमेंट करना, गारंटी हमारी हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पर जोड़ना नहीं था, केवल बताना था शांत है कि अशांत है। पूरा क्लास देखना, भाग के मत जाना। देखिए आपने कहावत तो सुना होगा ना, देखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर। जी हाँ, क्लास तो 10 ही मिनट की होगी, 15 मिनट की होगी, लेकिन आप इतना मैटर इसमें सीख जाओगे ना, उसको आप 1 घंटा हल करोगे नहीं ख़त्म होगा। इसलिए क्लास जरूर देखा करिए जीरो लेवल की, चाहे वो 5 ही मिनट की रहे। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, इसका योगफल करके बताना कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। जिन लोगों को जोड़ना नहीं आता वो लोग कॉन्टेक्ट करेंगे, पीछे की क्लास देखेंगे, क्योंकि जब तक इसको जोड़ नहीं पाओगे तब तक बता नहीं पाओगे। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप चाहिए तो सारे क्लास को व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं मात्र 549 में। अगर नहीं पे करना चाहते मत करो, बिल्कुल फ्री में देखो यूट्यूब पर, ठीक ना। लेकिन यूट्यूब पर कुछ क्लास अगर मिस हो जाती है तो संतोष करना होगा, क्योंकि हर एक क्लास यूट्यूब पर आपको नहीं मिल सकती है। तो चलते हैं आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लेकिन देखते रहिए PVR स्टडी, और सारी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा। धन्यवाद।